जामतारा के पूर्व विधायक विष्णु भैया के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिजनों से मुलाकात की। वहीं रांची के मेडिकल अस्पताल पहुंचकर हेमंत ने पूर्व विधायक के परिजनों को ढांढस बंधाया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी को हल्के में लेना गलती है और इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी को सरकार का साथ देना होगा। एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, इनके जैसे दिलदार व्यक्ति और इनके जैसे उदार व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत कम होते हैं। और जिनके साथ, जिनका इन्होंने हाथ थामा, जिनके साथ ये खड़े रहे, वो उन्होंने हमेशा से ये अपने आप। बिहार में अपराध का बोलबाला है। अपराधी आए दिन पुलिस को चुनौती देते नजर आते हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति करती नजर आती है। आखिर पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने से क्यों पीछे हटती है, इसका जवाब मुंगेर के कार्यक्रम में देखने को मिला। दरअसल इमारत शरिया के अमीर शरीयत का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी की थी, लेकिन जब सम्मान के दौरान जवानों ने फायरिंग करनी चाहिए तो बंदूक ने जवाब दे दिया। जवान कोशिश करते रहे और हर बार बंदूक फिसड्डी साबित होती रही। मजे की बात तो यह है कि मौके पर जिले के डीएम और एसपी भी मौजूद थे, लेकिन मूक दर्शक बने रहने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आया। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठा दिया है। सरकार के राज में जो पुलिसिया व्यवस्था इनके राज में जो हुई है वो एकदम निचला स्तर पे गिर चुका है। यहाँ इनके राज में आजकल पुलिस अपने हथियार को नहीं देखता, वो देखता है कि दारू कहाँ पकड़ाएगा। तो ये स्थिति होगी, राजकीय सम्मान में आवाज नहीं होना, गोली नहीं फूटना, ये तो बेइज्जती की बात है। और ये आज ही नहीं, कई बार ऐसा देखा जा चुका है। तो इस पे ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, ट्रेनिंग नहीं देते हैं सिपाही को सही से। तो इस तरह का जो है स्थिति होगी।